रांची सहित पूरे देश में आज लगभग 13 लाख डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल की वजह से सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल में सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और हम इस वक्त रिम्स में हैं और रिम्स की क्या हालत है आप देख सकते हैं, जितने मरीज हैं, कई मरीज बाहर हैं और इन्हीं लोगों से बात करते हैं, क्या डॉक्टरों को हड़ताल करना चाहिए? ना, इसमें जो है मरीज बहुत पिसा रहा है और बहुत दूर दराज से आए हुए, हम लोग दुमका से आगे से आए हुए हैं कि आज दो लड़की आई हुई है मेरा इलाज कराने के लिए कि आज इलाज होगा, लेकिन यहाँ आकर के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ रिम्स में आज हड़ताल होगा, जिसके कारण बहुत सा मरीजों को बहुत सा दिक्कत हो रहा है। और ये बताइए, वहाँ पश्चिमी बंगाल में आंदोलन हुआ, मारपीट हुआ, तो क्या पूरे भारत में हड़ताल होना चाहिए? ना, ऐसा होने से तो पेशेंट लोग बहुत सा बुरा स्थिति में आते हैं, जो बहुत जर्जर स्थिति में आते हैं वो मरने काबिल भी हो जाते हैं। इस स्थिति में हड़ताल नहीं होना चाहिए, ये हड़ताल से बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या परेशानी हो रही है? सर, हम लोग आए हैं गिरिडीह जिला से, तो अभी 2 महीना से हम लोग परेशानी में पूरा है और कुछ शिक्षक नहीं कर रहा है, पूरा भारी प्रोग्राम में है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टरों को हड़ताल करना चाहिए। मैं गढ़वा जिला से आया हूँ, मैं एक पैरा टीचर हूँ सर, मनु प्रसाद मेरा नाम है, और अभी स्कूल में जो है कि नामांकन अभियान चल रहा है जिसमें मुझे छुट्टी तक भी नहीं मिली है, और इस हड़ताल के कारण मैं अभी इलाज के लिए आया हूँ अपना डायबिटीज के लिए, और रिपोर्ट दे दिया हूँ, रिपोर्ट मुझे नहीं मिला है, और आज मैं सोच रहा था कि मैं घर वापस लौट जाएगा, लेकिन अब मुझे कल तक रुकना होगा। सर, हड़ताल के कारण कल कम से कम 50 पेशेंट खत्म हो गए, मेरा निजी लड़का खत्म हो गया डॉक्टर के अभाव से, और लोग ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिए, पहुंचे नहीं मरीज के पास, इस कारण से बंदी नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं तो अन्याय कर रहे हैं सारे डॉक्टर, इसलिए उसका कानून कार्रवाई किया जाए। ये कहीं ना कहीं जहां डॉक्टर और सरकार के बीच की लड़ाई है, और वो भी मामला पश्चिमी बंगाल का है और जिसे राष्ट्रीय आंदोलन जरूर बना दिया गया है डॉक्टरों के द्वारा, वैसे में मरीजों की जो परेशानियां हैं वो जरूर बढ़ गई हैं। न्यूज 11 के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी कुमार, रांची।